أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سورة المائدة آيات نمبر 83 سے آيات نمبر 86 ये सातवें पारे की इब्तदाई आयात हैं। छठा पारा यहाँ मुकम्मल हो चुका और सातवां पारा शुरू हो रहा है, लेकिन सूरा सूरतुल माईदा है। तकरीबन 82 आयतों पर छठा पारा मुकम्मल होता है और सूरे माईदा की 83 आयत से सातवां पारा शुरू होता है। तो सूरा वही रहने से जो मौजू है पैगाम का, वो मौजू मुसलसल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इससे पहले जब यहूद व नसारा और मुशरिकीन का तज़किरा फरमाया था कि लतजिदन अशद अन्नास अदावतन लिल्लदीन आमनु अल्यहूद वल्लदीन अशरकु ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان أنهم لا يستكبرون یہ چھٹے پارے کی آخری آیت تھی جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یا یہ کہا جائے کہ जिनको सबसे ज़्यादा अदावत है मुसलमानों से वो यहूद हैं और उनके बाद दूसरे नंबर पर मुशरिकीन हैं। मुशरिकीन जो अहले किताब नहीं हैं, जिनको काफिर कहा जाता है और हमारे मुल्क में हम हिंदू कहते हैं और दीगर दुनिया के अलग अलग इलाक़ों में जो न यहूदी हैं न नसरानी हैं, जो काफिरों के नाम से हैं या मुशरिकीन के नाम से हैं, जिनके पास आसमानी कोई किताब नाजिल नहीं हुई या जो पहले किसी नबी पर ईमान नहीं रखते हैं। तो दूसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं, ये लोग हैं जो इस्लाम से बड़ी अदावत रखते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं ईसाई, जो लोग अपने आप को नसारा कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग नसारा हैं, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, वो मुसलमानों से ज़्यादा करीब हैं, वो मुसलमानों से ज़्यादा करीब हैं, उनके दिलों में मुसलमानों के लिए ज़रा नरमी होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हदीद में फरमाया वजअलना फ़ी क़ुलूबिल लदीना तबऊहु रअफतन व रहमा, कि ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और कहा कि जिन्होंने इनकी इत्तबा की, जो इनकी इत्तबा करते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैरवी करते हैं, हमने उनके दिलों में मोहब्बत और रहमत नाजिल कर दी, दाखिल कर दी है। तो ईसाइयों के दिलों में, क्रिश्चन जिसको कहा जाता है, उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत और उल्फत और रहमत नाजिल फरमाई है। इसीलिए दुनिया में आप देखेंगे हालात अलग अलग किस्म के होते भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं मुसलमान कहीं परेशान होते हैं और उन्हें पनाह देना होता है तो
यूरोपी ममालिक मुसलमानों को पनाह भी देते हैं, पनाह भी देते हैं, और फिर आलमी एतबार से वो ताउन भी करते हैं, गरचे के किसी तरह से मुसलमानों को बाज़ जगहों पर नुकसान भी पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तरफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और मक्का में मुशरिकीन मक्का ने बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया था, मुसलमानों को मारते थे, तकलीफ़ देते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे और हर एतबार से आपको उन्होंने परेशान कर रखा था। तो नबूवत के पाँचवें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से हबशा जाने के लिए कहा था, हालांकि हबशा ये थोड़ा मुश्किल मकाम था मुसलमानों के लिए, क्योंकि समंदर पार है, ये खुश्की का रास्ता नहीं है, इसके लिए समंदर का सफ़र करना पड़ेगा। तो आमतौर पर अरबों का जो सफ़र होता था, मक्के वालों का जो सफ़र होता था, वो या तो मुल्क शाम की तरफ या मुल्क यमन की तरफ। तो मुल्क शाम जाते हुए कोई समंदर नहीं आता, ना मुल्क यमन जाते हुए कोई समंदर आता है, और फिर शाम और यमन इनके मानूस इलाके थे जहाँ ये लोग हमेशा जाया करते थे, ये जानो पहचान वाले इलाके थे, इन जगहों से इनको उल्फत थी, उनसियत थी, लेकिन हबशा इनका जाने का कोई रास्ता नहीं होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हबशा की तरफ भेज दिया कि जाइए आप हबशा में जाइए, वहाँ रहिए, इसलिए कि यहाँ आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीफ़ देखते थे तो आपको ये चीज़ परेशान करता था। तो इससे आपने ये समझा कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर आप चले जाइए, क्योंकि जितनी क़ुव्वत बर्दाश्त हमारे पास है उतनी आपके पास नहीं हो सकती, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमान फिर तकलीफ़ की वजह से फिर रास्ता छोड़ दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों पर रहम करते हुए फिर इन्हें हबशा जाने का हुक्म दिया। जब ये हबशा चले गए, हबशा गए तो हबशा में कोई मुसलमान नहीं रहते थे, हबशा में भी काफिर रहते थे, लेकिन वो काफिर कौन से थे? अहले किताब थे, वो काफिर अहले किताब थे। जो हबशा का नजाशी बादशाह था जिसका नाम असहामा था, वो ईसाई था और वहाँ की पूरी कौम ईसाई थी, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों का मतलब वो मुसलमान नहीं थे, वो मानते थे, जैसे आज भी जो क्रिश्चन हैं वो भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मगर वो मुसलमान नहीं, वो काफिर हैं। जो यहूदी हैं आज भी मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, मगर वो मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, मानते हैं, निस्बत करते हैं उनकी तरफ, अपने आप को मंसूब करते हैं, लेकिन अपने इस नबी का पैगाम मानते नहीं हैं, उस नबी की बातों पर अमल नहीं करते, और फिर जिस खुदा की इबादत का उन्होंने हुक्म दिया है उस खुदा की वो इबादत भी नहीं करते, वो अलग अलग चीज़ों में मशगूल हो गए। तो ऐसे ही वो नजाशी बादशाह भी ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। जब वहाँ ये पहुँचे हैं तो कुफ्फारे मक्का भी उनके पीछे पीछे हबशा पहुँच गए कि हमारे शहर के लोग, हमारे गांव के लोग यहाँ से भागकर हबशा जाएंगे, हम उन्हें वहाँ से पकड़ कर लाएंगे मक्का में और फिर मारेंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ से पकड़ कर लाएंगे और फिर यहाँ ला के मारेंगे। तो बाकायदा अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार में थे, ये और इनके कुछ साथी हबशा गए और हबशा में जाके नजाशी बादशाह से इन्होंने मुलाकात किया। और मुलाकात करने से पहले ये जो नजाशी बादशाह के दरबारी थे, जो उनके करीबी लोग थे, उनको तोहफे तहाइफ इन्होंने दे दिया और उन्हें समझा दिया कि कल जब दरबार लगेगा और नजाशी बादशाह के सामने हम कोई बात पेश करेंगे तो आप सब मिलकर हमारी तायीद करना, आप सब मिलकर हमारी तायीद करना। लोगों ने तोहफे लिए हुए थे, रिश्वत से लेके बहुत से काम सरकार में रिश्वतों के ज़रिए होते हैं, तो उन्होंने यहाँ रिश्वत का इस्तेमाल किया। और फिर जब दरबारियों ने रिश्वत ले लिया, वादा कर लिया कि ठीक है कल हम आपकी तायीद करेंगे, जब दूसरा दिन लगा दरबार में नजाशी बादशाह हाजिर हुए और हालात की जानकारी लेना शुरू की, तो मक्के वालों ने कहा बादशाह सलामत,
आपके शहर में, आपके मुल्क में हमारे शहर के कुछ लोग आए हुए हैं, वो नादान किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं, उन्होंने वहाँ शरारतें मचाई हुई थी, अब वहाँ से निकल कर यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ हमें ये डर है कि जैसे इनकी वजह से मक्का शहर में दंगे फसाद हो रहे थे, वहाँ मसाइल हुए हो रहे थे, ऐसा ना हो कि आपके शहर के अंदर भी, आपके मुल्क में भी ये लोग ऐसी हरकतें करें, यहाँ का माहौल भी ख़राब कर दें। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम इन्हें मक्का ले जाते हैं, हम इन्हें वापस मक्का ले जाते हैं। और फिर दरबारी जो थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब सही कह रहे हैं, इनके लोगों को वापस कर दीजिए, मक्का छोड़ दीजिए इन लोगों को। बादशाह ने सुना कि बात तो सब एक तरफा नज़र आ रही है, तो कहा कि ठीक है, कौन लोग हैं ज़रा उन्हें बुलाया जाए, मैं चाहता हूँ कि दोनों फरीक की बात सुनो, आप लोगों की बात हमने सुननी है, दूसरों की बात सुनो, जो लोग वहाँ से आए हैं उनकी वजह क्या है। फिर मुसलमानों को दरबार में बुलाया गया, जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अली रज़ी अल्लाह तआला के भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला भी हबशा हिजरत करके आए हुए थे। तो मुसलमानों ने अब जब बादशाह के सामने जाना है तो किसी एक ने बोलना होगा, किसी एक ने तर्जुमानी करनी होगी, तो जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला को मुंतखब किया गया कि आप तर्जुमानी करें हमारी, हम सब की तरफ से। तो जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला से नजाशी बादशाह ने पूछा, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला ने सारी तफसील बताई कि हम लोग मक्का के बाशिंदे हैं और हम फना फना ख़ानदान के हैं, फना कबीले के हैं, हमारे दरमियान में एक शख्स आया जो अपने आप को जिसने नबी बताया, और उस नबी ने हमें अच्छाई की तालीम दी, बुराई से रोका, शराब से मना किया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, इस तरह से हमने उनकी इताअत की, उनकी फरमा बरदारी की, तो उसके बाद से वहाँ के लोगों ने हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, हमें उन्होंने मारना शुरू कर दिया, तकलीफें तकलीफें देना शुरू कर दी, और ये तकलीफें हद से बढ़ गई थी, ये हद से ज़्यादा आगे निकल गए। तो हमें ये पता चला कि एक इंसाफ पसंद बादशाह कहीं होता है, वो हबशा में है, लिहाजा हम उसी वही समझकर आपके दरबार में आए हैं, आपके शहर में आए हैं, आप पनाह लिए हुए हैं। बादशाह को समझ में आ गया बात तो अलग है, ये लोग मुझे इंसाफ पसंद मानते हैं और इन्हें वहाँ पर जुल्म हो रहा है। तो बादशाह ने फिर कहा उन लोगों से कि हम इन लोगों को आपको आपके हवाले नहीं करेंगे। मक्का वाले परेशान हो गए, जो रिश्वतें दी हुई थी सब बेकार हो गई। अब बादशाह ने इनकार कर दिया, कहा कि मुसलमानों को मक्का नहीं भेजा जाएगा, मुसलमान यहीं हबशा ही में रहेंगे। लेकिन मक्का वाले कहाँ मानने वाले थे, वो वहीं रहे, वो दरबार से तो निकल गए लेकिन हबशा ही में रहे। और फिर उन्होंने नई प्लानिंग बनाना शुरू कर दी और कहा कि दूसरे दिन हम फिर नजाशी बादशाह के पास जाएंगे और उसके सामने उसने कुछ अलग बातें बताएंगे। अलग क्या होगा, वो जानते हैं कि बादशाह ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और यहाँ की जो कौम है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती है, और ये जो मुसलमान हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो अब हम मजहबी एतबार से यहाँ इन दोनों के दरमियान तफरीक डालेंगे। लिहाजा अब ये तय किया कि कल जाकर बादशाह के दरबार में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से हम उनको जज्बात मिलाएंगे और फिर किसी भी तरह से बादशाह उनको वापस कर देगा। दूसरे दिन आए, फिर उन्होंने जमा करने का हुक्म दिया, फिर ये जमा हुए, फिर जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला को दोबारा बुलाया गया। जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि आप लोग ईसा बिन मरियम के बारे में क्या कहते हो, आप लोगों का क्या अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? तो जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला ने सूरह मरियम की इब्तदाई आयतें तिलावत की, काफ हा या ऐन स्वाद ذکر رحمت ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا, ये आयतें पढ़ना शुरू कर दी। बादशाह सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, बादशाह समझ गया कि ये जो कलाम है, ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो अल्फाज हैं, इनमें तो ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ है,
इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम की तारीफ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और वो जानता था कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। ये जब माँ के पेट से पैदा हुए हैं, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह होता है, भला उसका वो किसी दुनिया की किसी औरत से उसका निकाह हो, उससे उसका बेटा हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन बस अकीदा था, अकीदा था, लोग मानते थे। अब अंधी अकीदत में लोग कोई भी चीज़ मान लेते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी वो मानते रहते हैं। तो जब उसे समझ में आ गया कि ये यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हो रही है, मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हो रही है, तो जब उनकी नज़र में ये दोनों मोहतरम हैं तो ये मुसलमान भी इनको मोहतरम मानते हैं, मुसलमान भी इनको मोहतरम मानते हैं। तब यहाँ पर नजाशी बादशाह समझ गया कि बात ऐसी नहीं है जैसे कुफ्फार मक्का कह रहे थे, ये मज़हब के नाम से हमें लड़ाना चाहते थे, ये हमें आपस में इस तरह से दुश्मनी पैदा करना चाहते थे कि हम इनको भगा दें, नफरत करें इन लोगों से, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद नजाशी बादशाह ने ज़मीन पर से एक तिनका उठाया, मामूली से एक लकड़ी का छोटा सा तिनका उठाया और कहा कि तुम मेरे सामने इसके बराबर भी नहीं हो, इससे भी ज़्यादा किसी बड़ी चीज़ का तुम मुतालबा नहीं कर सकते, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कुफ्फारे मक्का से तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जो अफराद मेरे पास आए हुए हैं ये हबशा में रहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे और जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, और इस मुल्क में रहते हुए कोई भी इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकता, अब मैं इनका कफील हूँ, मैं इनका कफील रहूँगा, अब इसकी इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। बाज़ रिवायतों में हैं कि फिर जैसे काफ हाया आयन स्वाद की जो आयतें, सूरह मरियम की जो आयतें जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू की थी तो लोग रोने लगे थे और उनमें से बहुत से लोग मुसलमान भी हो गए, बहुत से लोग मुसलमान भी हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ जो सातवें पारे की इब्तदाई आयत में फरमाया है कि उसके बाद जब ये वाकया हो गया, कुफ्फारे मक्का तो वापस चले गए, फिर एक ज़माना गुजर गया, ये नबूवत का पांचवा साल था, फिर नबूवत के 13 साल मुकम्मल हो गए, मुसलमान मक्का से मदीना की जानिब हिजरत करके भी चले गए। तब बाद में कहते हैं कि यहाँ से 70 लोग नजाशी बादशाह के पास से 70 लोग मदीना गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, और वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ इन लोगों के सामने सूरह मरियम की आयतें दोबारा पेश की गई, तब उन्होंने वहाँ सुना तो फिर उनकी आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगे और फिर उस वक्त उन्होंने कहा था अल्लाह तबारक व ताला ने जब इस तरह की आयतें नाजिल फरमाई हैं, हमारे रब का जब यह पैगाम है तो हम इस पर ईमान क्यों ना लाएं, हम इस पर ईमान क्यों ना लाएं, इस किताब पर क्यों ना ईमान लाएं, इस नबी पर क्यों ना ईमान लाएं, इस कुरान पर इस किताब के नाजिल करने वाले पर क्यों ना ईमान लाएं। तो अल्लाह ने फरमाया वइदा समिउ मा उनज़िल इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिन अद्दमअ मिम्मा अरफू मिन अलहक, जब उन लोगों ने सुना ये 70 लोग जो वहाँ पर आए हुए थे और जब इन्होंने वहाँ पर सूरह मरियम की आयतें सुनी तो कहते हैं वइदा समिउ मा उनज़िल इलर रसूल, जब इन्होंने सुना उन आयतों को जो रसूल की जानिब नाजिल की गई हैं, तरा अयुनहुम तफीदु मिन अद्दम, आप देख रहे थे कि उनकी जो आंखें हैं उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आंखें आंसू बहा रही थी, मिम्मा अरफू मिन अल हक, इस वजह से कि उन्होंने वो हक पहचाना था, वो हक जानते थे, क्योंकि जब जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन लोगों के पास उनके उनके इलाके में नजाशी बादशाह के सामने जब ये आयतें पेश की थी तब उन्हें समझ में आ गया था कि ये सच्चा कलाम है, ये हक कलाम है, ये सही दीन है, ये जान चुके थे, लिहाजा अब जब दोबारा भी ये सुन रहे हैं तो चूँकि उनके पास उनके दिल में यकीन आ चुका है तब उनके आँखों से आंसू आ रहे हैं, यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुमना मा शाहिदीन, अब वो कहते हैं कि हमारे रब हमने तो ईमान लाया है, हम ईमान ले आए,
फ़क्तुबना मा शाहिदीन, अब हमारा खात्मा तो हक पर कायम रहने वालों के साथ अता फरमा। फ़क्तुबना मा शाहिदीन, हमारा तो हमें लिख दे, तो हमें लिख दें उन लोगों के साथ जो तस्दीक करते हैं या जो हक की गवाही देने वाले हैं, हक पर कायम रहने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ तो हमें लिख दें, यानी उन लोगों में तो हमारा हशर कायम फरमा। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाही वमा जाअना मिनल हक, और फिर कहते हैं और हम ईमान क्यों न लाएं, हम ईमान क्यों न लाएं अल्लाह तबारक व तआला पर, वमा जाअना मिनल हक, और जो उसने हमारे पास हक भेजा है उस पर। मुनतमा अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन, और हम ख्वाहिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रब हमें दाखिल कर दें नए कौम के साथ, दुनिया में हमारे नए कौम के साथ रखें और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक लोगों की सोहबत आता फरमाए, जन्नत में उनकी रिफाकत आता फरमाए। فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید سنا, قرآن مجید کی حقانیت کو پہچان لیا, ایمان لے آئے, نبی پر ایمان لے آئے, اللہ پر ایمان لے آئے, اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو اس قول کے بدلے میں کہ انہوں نے ایسا کہا, اقرار کر لیا, حق کو مان لیا, اپنی زبان سے اس کا اعتراف کر لیا, اس قول کے بدلے میں ہم انہیں عطا کریں گے ایسی جنتیں, جن کے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وذالک جزاء المحسنین, اور خیر کا کام کرنے والے, اچھا کام کرنے والے, ان لوگوں کا یہی بدلہ ہوگا, جو بھی اچھا کام کریں گے دنیا کے اندر ان کا یہ بدلہ ہے جنت, خیر کا کام کرنے والوں کا بدلہ آخرت میں جنت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے لیے وعدے فرمائے ہیں کہ اچھی زندگی عطا کریں گے, چین و سکون اس کی زندگی میں عطا کریں گے, زندگی برکتیں عطا فرمائی جائے گی, اور ساتھ میں آخرت کا جو بدلہ ہے, جو جس بدلے کا سب کو انتظار ہوتا ہے, اور اسی کے لیے زندگی میں صبح اور شام جو ہم عبادتیں کرتے ہیں, جو اتنی محنتیں ہوتی ہیں, ابھی صبح کا وقت ہے, لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے, نیند آتی ہے, بہت سے لوگ نیند کو قربان کر کے اپنے بستر سے اٹھ کے مسجد میں آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, آخر یہ کون سی فکر ہے, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, کیوں یہ دوسرے بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اللہ اللہ ہے, یہ کائنات ختم ہونے والی ہے, میں مرنے والا ہوں, میرے ماں باپ تو مر چکے ہیں, وہ نہیں ہیں, دادا دادی بھی نہیں ہیں, نانا نانی بھی نہیں ہیں, وہ سب میرے سامنے ہوا کرتے تھے, میں ان کی گود میں بیٹھتا تھا, پلتا تھا, کھاتا پیتا تھا, آج وہ نہیں ہیں, انہیں یقین ہو چکا ہے, اس کے باوجود پھر وہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں, وہ آتے کیوں نہیں ہیں مسجدوں میں, وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے, وہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے, وہ غافل ہو گئے ہیں, غفلت کا شکار ہو گئے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں اٹھ رہے ہیں وہ نہیں اٹھتے ہیں, یہ کیوں محنت کر رہے ہیں وہ محنت نہیں کرتے ہیں, یہ محنت کرنے والے کون ہیں, کیا چاہتے ہیں, بس یہی ان کا مقصد ہے جنت, کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے, کیونکہ ساری کائنات کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو زندگی ہماری عبادت ہی ہے, بچپن سے لے کر بڑا موت تک ساری زندگی ہماری عبادت ہے, جب تک ہمیں ہوش نہیں تھا تو ہم نے جیسے سمجھا ماں باپ کے اشارے پر عبادتیں کی, اور جب ہمیں ہوش آنے لگا تو ہم نے پھر سوچ سمجھ کر قرآن پڑھ کر حدیثیں سن کر پڑھ کر پھر ہم نے عبادتیں کرنا شروع کی, اور اب یہ سلسلہ مرتے دم تک چلنے والا ہے, تو یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, جو بھی دنیا میں خیر کا کام کرے گا, اچھا کام کرے گا, ان سب کا یہی بدلہ ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, ہماری نشانیوں کو, ہماری قرآن کی آیتوں کو, ہماری کائنات کی نشانیوں کو,
सूरज है, चांद है, आसमान है, जमीन है, रात है, दिन है, ये पेड़ पौधे हैं, ये हवाएं हैं, ये सारी चीज़ें, ये अपने आप का जिस्म है, सर से लेकर पैर तक की जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से आई, कौन बना रहा है, कौन दे रहा है, कैसे ये वजूद में आई हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे इंसान बड़ा हो रहा है, कैसे इंसान पैदा होता है, कैसे सुनता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। इन निशानियों को देखकर भी कोई अगर इनकार कर दे, कोई झुठलाना शुरू कर दे अल्लाह तबारक व तआला को, तो फरमाते अल्लाह फरमाते हैं उलाइका असहाबुल जहीम, ये लोग जहन्नम के मुस्तहिक हैं, यही लोग जहन्नम वाले हैं, ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी। इतना सब कुछ दिखाने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद, इतना सब कुछ समझाने के बाद भी सुबह और शाम 24 घंटा 12 महीने मुसलसल बताया जाता है, मुसलसल समझाया जाता है, इसलिए कि इंसान दुनिया से बाहर तो कहीं भी नहीं है, हवाओं में जाएगा वो भी कायनात है, समंदर के अंदर जाएगा वहाँ भी कायनात है, जिधर चाहे वो चला जाए, जिस मुल्क में चाहे वो जाए, वहाँ अल्लाह के अजायबात और कुदरत और अल्लाह की कुदरतें मौजूद हैं। फिर भी अगर वो न माने तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका असहाबुल जहीम, ये लोग यही लोग जहन्नम वाले हैं। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने गोया एक तरह से हमें एक पैगाम भी दे दिया है कि दुनिया के अंदर जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान सुनकर उन्होंने ईमान लाया था, बादशाह भी मुसलमान हो गया, बादशाह की कौम मुसलमान हो गई, एक ऐसी कौम जिनकी ज़ुबान तो अरबी नहीं थी, मक्का वाले अरब थे, हबशा गैर अरब थे, वो अरब नहीं थे, वो हबशी थे, उनकी ज़ुबान अरबी नहीं थी, आज अरब है। आज अगर हबशा आप जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो अरबी बोलते हैं, वो अरब मुल्क है, लेकिन पहले वो अरब मुल्क नहीं था, वो गैर अरब था, उनकी ज़ुबान हबशी ज़ुबान थी, और ये मक्का वाले अरब थे। इन अरबों में जब ये अरब आपस में इख्तलाफ हुआ और यहाँ के अरबों ने मुसलमान अरबों को मानना शुरू किया, तो ये अरब मुसलमान वहाँ पहुँचे हैं और वो गैर अरब गैर मुस्लिम लोगों ने इन मुसलमानों की तायद की, इन मुसलमानों की मदद की, और वहाँ भी इस्लाम फैल गया उन मुसलमानों के वजूद की वजह से। तो मुसलमान जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसलमानों का एक मिशन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है, अल्लाह का कलाम हम लोगों तक पहुँचाएँगे, अल्लाह का जो पैगाम है हम लोगों तक पहुँचाएँगे। हमने देखा है आज भी यूरोप के बाज़ इलाक़ों में बहुत से मुसलमान चलते फिरते इधर उधर जब कुरान पढ़ते हैं, बाज़ मरतबा वीडियो में दिखाई देता है, कभी जाना तो नहीं मौका मिला, लेकिन यूट्यूब वगैरह पर देखा जाता है कि कभी कोई नौजवान शख्स किसी चौराहे पर खड़े रहकर अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, कुरान मजीद की तिलावत करता है, अकेला खड़ा है, कुरान पढ़ रहा है, और फिर इधर से उधर से मर्द हैं, औरतें हैं, उनका अपना जो कल्चर है उसी अंदाज में वो पहुँचे हुए हैं और आगे आगे सामने खड़े हैं, कुरान मजीद सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, बाद मरतबा सुनते सुनते उनकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, बदन नंगे धड़ंगे, कपड़े बराबर पहने हुए नहीं हैं, लेकिन जब आते हैं कुरान सुनते हैं आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, और फिर उसकी तारीफ़ करते हैं, उस पढ़ने वाले की तारीफ़ करते हैं, कलाम का एहतराम करते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने जाने के रास्ते में वो रोकते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं। इसका मतलब ये कौम अभी भी कुरान मजीद के सुनने की प्यासी है, कौम को कुरान सुनाने की ज़रूरत है, कुरान सुनाने की ज़रूरत है, और वो बाद मरतबा ये कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम है, ये तो अरबी ज़ुबान में है, इसको अरबी में जैसे पढ़ेंगे उसमें उतना मज़ा आएगा, इसको तर्जमा करके आप कहेंगे, तर्जमा करके पढ़ते रहो सुबह शाम, तर्जुमे में मज़ा नहीं है जो अरबी में मज़ा है। अल्लाह का कलाम तर्जुमा समझने के लिए है, लेकिन तासीर जो होती है दिल के अंदर दाखिल होने का जो काम होता है वो अरबी ज़ुबान में ही, तो वो उनको समझ में तो नहीं आता, लेकिन जब कलाम सुनते हैं वो गैबी ताकत ऐसी है कुरान मजीद की, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में वो चीज़ दाखिल कर देता है। और यही वाकया तो हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी है, हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसलमान होने का, जिनके बारे में कहा जाता था बड़े सख्त थे और बहुत ज़्यादा पहलवान किस्म के इंसान भी थे, बहादुर भी थे,
और बड़ा जुल्म किया करते थे मुसलमानों पर। इन दो लोग थे ऐसे, एक अबू जहल और दूसरे उमर बिन खत्ताब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दोनों का इंतखाब किया था दुआ के लिए। यही दो लोग हैं पूरे मक्का पर छाए हुए हैं, पूरा मक्का इनसे डरता है, सारा मक्का मक्का मगलूब है इनके सामने। अगर इनमें से कोई एक भी हमारे हाथ लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तब मुसलमानों को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुरान पढ़ोगे ना तो कुरान से दिलों में इत्मीनान पैदा होगा। जो दिलों में सख्ती है, जो जुल्म है, बर्बरियत है, कुरान पढ़ने से वो दिलों के अंदर नरमी पैदा हो जाती है। उमर फारूक जो कल तक मुसलमानों को चुन चुन के मारा करते थे, जब उन्होंने कुरान सुना तो ये दिल के अंदर नरमी पैदा हो गई, नर्म हो गए वो। और मुसलमानों पर जुल्म करना, मारना, बल्कि जो उनके पास सख्ती हुआ करती थी वो सारी ज़िंदगी सख्ती ख़त्म हो गई। और सबसे ज़्यादा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में जो खिलाफत का दौर है, अबू बकर सिद्दीक़ है, उमर फ़ारूक है, उस्मान गनी है, अली है, हसन है, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये जो जिन लोगों की खिलाफतें गुजरी हैं, इनकी खिलाफतों में सबसे एक नादिर खिलाफत अगर देखी जाए तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की है। कि दुनिया की काफिर कौमें भी उनकी खिलाफत की तारीफ आज तक करती हैं कि ऐसे नर्म दिल इंसान, ऐसे नर्म दिल इंसान के बादशाह होते हुए कहीं दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं और किसी भी जगह जाकर कहीं भी रात की तारीकी में किसी गरीब के घर पहुंचते हैं और वहां उनकी उनकी ज़रूरियात से मुतालिक, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक सवालात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो अल्लाह ताला का जब उन्होंने कलाम सुना तो सारी ज़िंदगी उनका दिल नर्म हो गया। तो ये कुरान मजीद हमें भी पढ़ते रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के दिलों में भी सख्तियाँ पैदा हो गई हैं, एक दूसरे के लिए बातचीत में, रिश्तेदारों के लिए आपस में, दोस्तों के लिए, अपनी कौम के लिए। मस्जिद में आते हैं तब भी हमारे दिलों में सख्तियाँ होती हैं, घरों में जाते हैं वहाँ भी सख्तियाँ रहती हैं, बाज़ारों में जाते हैं वहाँ दिल सख्त रहते हैं, अपनी दुकानों में रहते हैं वहाँ लोगों से सही बात करते नहीं हैं, सख्त दिल हो चुके हैं। कुरान मजीद की तिलावत करते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला दिलों के अंदर नरमी पैदा करेगा। दिल नर्म होगा ज़ुबान मीठी होगी, दिलों में नरमी आएगी ज़ुबान में मिठास पैदा होगी, और ये ज़ुबान की मिठास ये लोगों को मुतासिर करेगी। और यही चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के पास आते थे वहाँ कुरान मजीद पढ़ते थे। सुहैब रूमी गालिबन सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपने कान में रुई डाल कर रखा था, वो चाहते थे कि मक्का में जाऊँ मैं कैसे कमाएँ मोहम्मद की बात न सुनूँ। वहाँ पहुँचे हैं और देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ आवाज़ आ रही है। तो सोचा कि ज़रा सुन लूँ क्या पढ़ रहे हैं। रुई निकाली और सुनने लगे सुनते रह गए। जब ख़त्म कर लिया नबी ने तो चाहते थे और सुनो। नबी जहाँ गए वहाँ पीछे गए, नबी घर गए ये भी घर पहुँच गए, कहने लगे मोहम्मद आप जो कलाम सुना रहे थे ज़रा और सुनाइए। अब दिल मानता नहीं, बस और सुनना चाहता है ये दिल। नबी ने और सुनाया, ऐसा सुनाया कि अब बाद में सारी ज़िंदगी वो खुद सुनाते रहे, पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो कुरान पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान सुकून पैदा फरमाता है, ज़ुबान मिठास पैदा फरमाता है। ये ईसाइयों का वाकया है, अल्लाह तबारक व तआला इनका वाकया बयान कर रहा है कि ये लोग कुरान सुन के मुसलमान हो गए। तो हम मुसलमान कुरान सुन के नेक इंसान क्यों नहीं बन सकते? और आज भी जो ईसाई हैं, आज भी जो मुशरिकीन हैं, इनके सामने भी कुरान पढ़ा जाए तो जैसे ये कुरान 1400 साल पहले असर करता था, ये बासी नहीं हुआ, आज भी वैसा ही असर करेगा। बस पढ़ने वाले बदल गए, लेकिन कुरान बदला नहीं है, कुरान की तासीर बदली नहीं है, कुरान की तासीर वही है, कुरान वैसे वही कलाम है। लिहाजा आज भी पढ़ने की और लोगों तक कुरान मजीद को पहुंचाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।